ये हमारा गलत तरीका होगा। सही से सभी तोड़ रहे हैं तो ये भी देखिएगा, ये देखिए हम पलट के भी काट के दिखाते हैं कि बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर कर लें, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये इधर रहा है, ये पहले का यहाँ कटिंग हुआ था, तो ये बिल्कुल भी टूट जाएगा, कटेगा नहीं है। तो आप टक्कर पे भी प्रॉपर साइज में काटें और बिल्कुल कटर को कहीं भी ब्रेक ना लगा करके सीधा आप पूरा सीट, ये देखिए पूरा आप भी तोड़ लेंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आराम से इसको तोड़ेंगे और ये पूरा निकल गया। ये देखिए वो साज आप ले लेंगे, उसके बाद में निशान लगा करके कटेंगे। ये देखिए इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे, साथियों नीचे की तरफ बहुत ज़रूरी है मोड़ना। उसके बाद में देखिए हल्का सा फाड़िए। वेलकम बैक साथियों, सभी कारपेंटर भाइयों को नमस्कार, राम राम। राणा वुडवर्क चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथियों यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, पहले जान सकें, पहले सीख सकें, दूसरों को भी सिखा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, आज एक्रेलिक शीट कैसे लगाया जाता है उसके बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक्रेलिक शीट को कैसे काटा जाए इसके बारे में आज हम जानते हैं। कि बहुत लोग को एक्रेलिक का काम मिल जाता है, बेचारे काट नहीं पाते हैं और काटते हैं तो टूट टाट जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि इसको हम कैसे काटें। वो फिर कटर मशीन से भी काटते हैं, उसमें भी चुरचुरा टाइप का किनारे में नज़र आने लग जाता है। तो आज हम काटने के सही तरीका और गलत तरीका दोनों बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गलत तरीका बताएंगे कि कैसे काटा जाता है, उसके बाद में हम सही तरीका भी बताएंगे इसमें कि कैसे आप एक्रेलिक शीट को काटें जो कि आपके लिए बेहतरीन कटिंग हो, साइज में कटिंग हो, आपको रंदा कम लगाना हो या भी बिल्कुल भी ना लगाना पड़े। तो ये देखिए हमारे पास ये एक्रेलिक शीट है और दो कलर का एक्रेलिक शीट आया हुआ है और ये किचन का काम हो रहा है साथियों। तो देखिए सबसे पहले हम जिधर से एक्रेलिक शीट चमकता है, जिधर से हमारा सही है, उधर से हम पहले काट के दिखा रहे हैं। ये हमारा गलत तरीका होगा जो हम काट के भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये आपका सही से कटेगा नहीं, ये सनमाइके की तरह जब आप इसको ऊपर उठा करके इसको सनमाइका की तरह तोड़ते हैं तो ये आपका सही से टूटेगा नहीं। ये देखिए फट जा रहा है, ये इधर से भी तोड़ रहे हैं तो ये भी देखिएगा, ये भी फट जाएगा। ये देखिए, तो ये साथियों इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी आप लगा नहीं पाएंगे। अब इसको हम पलट के भी काट के दिखाते हैं, ये किसी भी तरफ से सही नहीं कटेगा। ये देखिए हम पलट के भी आपको काट के दिखाने वाले हैं, तो इसको भी आप बिल्कुल देखिए साथियों, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये इतना शानदार, ये देखिए ये भी टूट जा रहा है, ये पहले का यहाँ कटिंग हुआ था, तो ये बिल्कुल भी टूट जाएगा, कटेगा नहीं। वीडियो में आप बने रहें, आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी दी जाएगी, आप कभी फेल नहीं होंगे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्रेलिक शीट को कैसे काटा जाए। तो एक बार और हम काट के दिखा रहे हैं और इसको हम बिल्कुल सही तरीका से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसको हल्का सा तोड़ देंगे पहले पूरा नीचे की ओर, तोड़ करके अब किनारे से हल्का सा फाड़ लेंगे। ये देखिए आराम से कट गया, बिल्कुल भी इसमें मुरमुरा टाइप का किनारे में निशान नहीं मिलेगा और एकदम किनारा साफ सुथरा मिलेगा। आप रंदा भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम बेहतरीन होगा, जोड़ प्रॉपर मिलेगा। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें बाबरी नहीं है, बिल्कुल क्लीन कटा हुआ है। आइए और भी हम बड़ा पीस में काट के दिखाते हैं। ये देखिए हम जब टक्कर पे काम लगना होता है तो आप टक्कर पे भी प्रॉपर साइज में काटें और बिल्कुल कटर को
कहीं भी ब्रेक ना लगा करके सीधा आप पूरा सीट काट लेंगे। अब सीधा सीट काटने के बाद में इसको फिर वही नीचे की तरफ आप मोड़ेंगे। ये देखिए जैसे हम मोड़ रहे हैं, ये देखिए नीचे की तरफ हम इसको पूरा तोड़ लेंगे, तभी ये पूरा सीट प्रॉपर कट पाएगा। तो पूरा सीट को हम पूरा 8 फुट लंबी पट्टी हम ये निकाल रहे हैं और इसी तरीके से पूरा आप भी तोड़ लेंगे। कहीं भी रंदा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, टक्कर पे सफाई करने का भी झमेला आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए आराम से इसको तोड़ेंगे और ये पूरा निकल गया। ये देखिए एकदम पूरा निकल गया ये आराम से। तो ये एक्रेलिक सीट काटने का सही तरीका है, इसी तरीके से आप काटेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। राणा वुड वर्क चैनल आप लोगों के लिए नया नया बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए नया नया खोज करके लाता रहता है। ये देखिए हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश कटिंग है साथियों, कहीं भी कोई भी फटास नज़र नहीं आएगा। आप टक्कर पे आंख बंद करके लगा देंगे, सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ये है कि आपको साइज में कटिंग करना होगा, बड़ा बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। अब ये थोड़ा और बड़ा सीट में भी हम काट के दिखा रहे हैं कि बड़ा सीट कटिंग करके हम किस ढंग से तोड़े इसको, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा कटिंग होगा। अब जितना भी साइज में लग रहा है वो साइज आप ले लेंगे, उसके बाद में निशान लगा करके कटिंग करेंगे। ये देखिए एक बार से दो बार ही कटर चलाएंगे, आप ज़्यादा भी चला सकते हैं आप अपना अनुसार इजी करने के लिए। तो ये देखिए इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे साथियों, नीचे की तरफ बहुत ज़रूरी है मोड़ना। उसके बाद में देखिए हल्का सा फाड़िए और सीधा कवड़ करके हाथ में ये आ लेता है। तो साथियों ये था एक्रेलिक सीट काटने का सबसे आसान तरीका। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, कुछ कमियां रह गई हो तो भी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।